इस वक्त मार्केट में आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द जितने भी टॉप ऑल्ट कॉइन्स हैं वो या तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में हैं या फिर आपके पास इनफ क्वांटिटी पड़ी है और लेने का फायदा भी नहीं है। और यहाँ पे अगर हम टॉप ऑल्ट कॉइन्स की बात करें जो लार्ज कैप कॉइन्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, लगभग सभी कॉइन्स आपके पास होंगे। लेकिन हमेशा क्या होता है कि वो हम कॉइन हमेशा छोड़ देते हैं या फिर हमसे छूट जाते हैं जिससे हमें सबसे बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड होता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, आपके पास फॉर श्योर इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, एक्सआरपी, डॉजकॉइन, कार्डानो, एवलांच, ये सारे कॉइन्स होंगे जो कि अभी हम टॉप 10 कॉइन्स की बात कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं में से एक आपने शायद नहीं नोटिस किया होगा कि टॉन कॉइन बहुत ही थोड़े समय के अंदर टॉप 10 के आसपास पहुंच चुका है, जो कि अभी करंटली 11th रैंक के ऊपर है। और अगर हम इसका मार्केट कैप देखते हैं, टॉन कॉइन का और एवलांच का ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो कि 18 और 20 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है इनका, सिर्फ 2 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप का डिफरेंस है। और टॉन कॉइन की वैल्यू इस वक्त $5 के आसपास चल रही है। यह कॉइन 3 साल पहले लगभग 30-40 सेंट के आसपास शुरू हुआ था और आज ये $5-5.5 के आसपास चल रहा है। यानी कि बहुत लंबे समय से ये कॉइन लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे मार्केट कैप की बात करें चाहे हम प्राइस की बात करें। और अगर आप इसका वॉल्यूम भी देखोगे 24 आवर्स का, ये भी अच्छा ही रहता है। ऑलमोस्ट एक लिमिटेड सी सप्लाई है जो कि 5.1 बिलियन टॉन्स के आसपास है। लेकिन इस वीडियो में मेरा कहना ये नहीं कि आप टॉन कॉइन को बाय करो, अगर करना चाहो तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि टॉन कॉइन जैसा कॉइन जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन इसी के इकोसिस्टम में अगर कोई कॉइन आता है, अगर हम वो कॉइन पकड़ के चलते हैं, तो डेफिनेटली हमें इसी बुल रन के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि 50x से लेकर 100x तक ईजिली प्रॉफिट दे सकता है। और एक ऐसा कॉइन होगा जिसकी अभी लिस्टिंग्स कुछ खास नहीं हुई है, बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग्स पेंडिंग है। तो टॉन इकोसिस्टम में से एक मैंने कॉइन चूज किया है, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट तो लंबी है लेकिन इनमें से एक ही कॉइन ऐसा है जो आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट दे सकता है और थोड़े से अमाउंट में काफ़ी सारे कॉइन्स आपको मिलने वाले हैं। तो 100x कॉइन कौन सा है, ये पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें क्रिप्टो के लेकर। ऑलरेडी हमारा बिटमार्ट का एयर ड्रॉप चल रहा है, जैसे कि $10, $50, $5 इस तरीके के एयर ड्रॉप चलते रहते हैं, जो आप हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करके अपना फ्री में पैसा बना सकते हो हमारे वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल चैनल के ऊपर। तो वंस अगेन हम कॉइन मार्केट कैप की लिस्ट के ऊपर जाते हैं, तो टॉप 10 में आप देखोगे यहाँ पे टॉप 10 में आ रहा है जो कि 11th रैंक के ऊपर है टॉन कॉइन। तो टॉन का इकोसिस्टम हमने यहाँ पे खोला, तो टॉन के इकोसिस्टम में काफी सारे कॉइन्स हैं जिनकी जो रैंक है बहुत ही बड़ी रैंक है। इसका मतलब ये कि इन सभी में पोटेंशियल बाकी है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है इन कॉइन्स में, बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन सही कॉइन चूज करना वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो हम बात करने वाले हैं ग्राम कॉइन के बारे में, जिसका 2500 के आसपास रैंक चल रहा है, पिछले 7 दिनों के अंदर 80% से भी ज़्यादा प्रॉफिट दे चुका है। इस कॉइन की वैल्यू में पहले लगभग 5 जीरोस थी और अभी सिर्फ 1 जीरो ही बची है, तो डेफिनेटली ये $1 पहुंचने वाले कॉइन्स में से एक है। इसकी वैल्यू करंटली चल रही है $0.061 के आसपास। तो ग्राम कॉइन फास्टेस्ट ग्रोइंग टोकन है टॉन ब्लॉकचेन का, तो ये उन कॉइन्स में से एक है जिसको आप बाय करके होल्ड कर सकते हैं। और एक बड़ी चीज बताऊं तो इसकी लिस्टिंग आने वाली है MXC एक्सचेंज के ऊपर, तो MXC का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास अभी भी एक्सचेंज नहीं है तो प्लीज साइन अप कर लो, साइन अप करके यहां पर रेडी रहो, क्योंकि उसी के ऊपर सबसे पहले ये कॉइन आने वाला है। करंटली अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज देखोगे तो ये किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं है, ये अवेलेबल है तो Stone.fi के ऊपर है या फिर Dbust के ऊपर है। तो इसकी लिस्टिंग्स कुछ खास नहीं हुई है, कोई बहुत बड़े डेक्स के ऊपर भी नहीं हुई है, तो इसकी लिस्टिंग आने वाली है MEXC एक्सचेंज के ऊपर, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो इसके लगातार जो यूजर्स हैं, बायर्स हैं, होल्डर्स हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इसकी डेक्स के ऊपर वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। 100x पोटेंशियल वाला कॉइन है। तो टॉन आपको बता रहा हूँ कि टॉन प्रोजेक्ट में, टॉन इकोसिस्टम में काफी सारे कॉइन्स आते हैं, लेकिन ये सेकंड प्लेस पर है अगर हम ग्राम की बात करें। और टेलीग्राम के ऊपर इसके फॉलोअर्स अभी 1.5 लाख से भी ऊपर हो चुके हैं, जो कि 1,64,000 के आसपास हैं। और इन्होंने अपना खुद का डोमेन भी शुरू किया जो कि .gram के नाम से है, और x.gram के नाम से एक डोमेन है जो कि $40,000 उसकी हाईएस्ट बिड लगी है। एंड यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है कि ये लाखों डॉलर में इसकी बिड जाने वाली है। तो इसका जो टोटल एमिशन है 5 बिलियन ग्राम्स का है, जिनमें से 27 मार्च तक 1.7 बिलियन ग्राम्स को ऑलरेडी माइन कर लिया गया है। तो इसके प्राइस अगर हम स्टार्टिंग से देखें और अभी तक देखें तो ये 28,000 गुना प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है। अब बात अगर हम माइनिंग की करें तो माइनिंग क्या है कि अगर हम बिटकॉइन जैसे कॉइन्स की बात करें तो वो कॉइन को माइन करने के लिए बड़े से बड़े एक्सपेंसिव माइनर्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये सिर्फ वीडियो कार्ड से ही माइन हो जाता है। और टॉन ब्लॉकचेन के ऊपर है तो यहाँ पे जो स्पीड रहती है 1,04,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड की स्पीड रहती है, यानी कि ट्रांजेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है।
और जो ग्राम की टोटल 5 बिलियन टोकन्स का एमिशन है ये माइन होने वाला है लगभग 700 दिनों के अंदर, जो हम बोल सकते हैं कि लगभग 2 साल में हो जाएगा। और जैसे कि आपको सबसे बड़ी अपडेट बताई दी है कि ये MEX एक्सचेंज के ऊपर आ रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ जो बड़ी सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर भी बहुत ही जल्द आने वाला है। तो मैं भी यहाँ पे एक बड़ी क्वांटिटी ऑलरेडी बाय करके होल्ड करके रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप स्टोनफाई के ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जब स्टोनफाई यूज़ करोगे तो यहाँ आपके पास टॉन करेंसी होनी ज़रूरी है, जिसकी वैल्यू अभी $5 के आसपास है। टॉन को ही आप यहाँ पे स्वैप करोगे तो हम यहाँ पे लाइव रेट देख पा रहे हैं, एक टॉन के बदले में आपको लगभग 76 ग्राम्स मिल जाएंगे, जो हम बोल सकते हैं 75-80 ग्राम्स आपको मिल जाएंगे। तो आप स्टोनफाई की ऐप के ऊपर जा सकते हैं, यह app.stone.fi, तो इसके ऊपर स्वैप के ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, चाहे आप मेटामास्क कर लो, चाहे आप अपना कोई भी वॉलेट कनेक्ट कर सकते हो। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे स्वैप करके अपने जो ग्राम्स हैं उनको बाय करके होल्ड करके रख सकते हो। तो यहाँ आपके पास जरूरी क्या है कि टॉन कॉइंट्स होना, टॉन कॉइंट्स होंगे तभी आप ग्राम ले पाओगे। एक और ऑप्शन भी है जो कि क्रिप्टो बॉट के नाम से, ये टेलीग्राम के ऊपर ही होता है, ये उसके ऊपर ही बाइंग होने वाली है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूंगा, आप मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना या फिर हमारे टेलीग्राम के ऊपर मुझे इन्फॉर्म कर देना, तो आपको मैं बता दूंगा कि ये भी बहुत इजी प्रोसेस है। या फिर इसके अलावा टॉन कीपर का वॉलेट है, वहां पे भी आप ग्राम्स को बाय कर सकते हैं। टॉन कीपर ऐप जो है ये आप गूगल प्ले के ऊपर या फिर ऐप स्टोर के ऊपर यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वेब वर्जन के ऊपर जा सकते हैं जो कि wallet.tonkeeper.com। लेकिन यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको वॉलेट नया बनाना है। उसके लिए क्या है कि आपने अपना जो की बनेगा, की को आपने नोट करके रख लेना है, क्योंकि आपने यहाँ पे नया वॉलेट ही बनाना है जो कि टॉन ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे लगभग 24 वर्ड्स होंगे, आपने उस 24 वर्ड्स को सीरीज वाइज लिख देना है ताकि आपके पास ये जो की है सिक्योर रहे, और उसके बाद ये आपसे चेक करवाएगा कि आपके पास वर्ड्स सही हैं या नहीं। पर्टिकुलर 2-4 नंबर वाले कॉइन्स पूछेगा, फिर आपने अपना जो पासकोड है वो सेट करना है। इसके बाद आपका जो टॉन कीपर वॉलेट है वो चल जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने टॉन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि आप कहीं से भी ले सकते हैं। टॉन्स आपके किसी भी एक्सचेंज में पड़े हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ टॉन्स की बात करते हैं तो टॉन कॉइन्स क्या कि OKX, बाइनेंस को छोड़कर बायबिट, गेट, STXUcoin, MEXC लगभग सारी एक्सचेंजेस के ऊपर है। तो आपको मैं पहले भी सजेस्ट कर चुका हूँ कि आप MEXC के ऊपर साइन अप कीजिए, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो यहाँ पे आप टॉन को भी बाय कर सकते हैं, एंड आपको बड़ा फायदा जो होने वाला वो यही है कि आने वाले समय में ग्राम कॉइन भी आपको यहीं पे मिलने वाले हैं। तो टॉन को आपने अपने टॉन कीपर वॉलेट के ऊपर सेंड करना है, वहाँ पे आप ग्राम को बाय कर सकते हैं। तो यही है अभी करंटली जो अवेलेबल है, इसमें स्टोनफाई हो गया, टॉन कीपर हो गया, इवन DDust.io भी है, एक ऐसी एक्सचेंज भी है, उसके ऊपर भी आप बाय कर सकते हो। तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज किसी के ऊपर भी लिस्टिंग नहीं है, यही कारण है कि मैं एक बहुत ही बड़ी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हूँ कि इसमें हमें एक बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये था हमारा एक ऐसा जेम जहाँ से मैं 100x एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड डेफिनेटली इतना बड़ा प्रॉफिट हमें इससे मिलने वाला है। कोई भी डाउट हो टॉन को लेकर, ग्राम को लेकर, या फिर कहाँ से बाय करना है, नीचे कमेंट करो, मैं आपको साथ के साथ जवाब देने वाला हूँ। एंड आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि टॉन ब्लॉकचेन, टॉन का खुद का कॉइन ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हाइप में है, 11th पोजीशन तक पहुँच चुका है देखते देखते, जो कि 28,000 गुना ज़्यादा प्रॉफिट में ऑलरेडी। और अगर हम टॉन ब्लॉकचेन की बात करें तो इनमें से एक कॉइन मैंने जो चूज़ किया आफ्टर लॉन्ग रिसर्च, तो वो ग्राम कॉइन है। ग्राम कॉइन को आप अभी से बाय कर सकते हैं, जो जो भी मैंने आपको ऑप्शंस दिए उन्हीं से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहें। धन्यवाद।